हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सेमेस्टर फोर का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंट में कौन कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा थ्योरी आने लायक है, आने की संभावना है। तो आप पूरा वीडियो देखें, स्किप करके न देखें, तो पूरा का पूरा वीडियो जो आप देखिएगा, जो भी हम 13 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग से एक आग्रह है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो इस प्रकार के हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। जब आप सेमेस्टर 5 में जाइएगा तो भी मेरा चैनल पे एक से एक वीडियो आएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है? बच्चों लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट लेसन का है हम लोग का। तो शेयर क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है क्या कि फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर क्या होता है और आप फॉरफिटेड शेयर को कितना डिस्काउंट तक रीइशू कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो ये आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन है, कंपनी लेसन का ये, इशू ऑफ शेयर लेसन का ये। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हम आप लोग को बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गैस में गैस करने की जरूरत आप लोग को नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। क्योंकि जब हम लोग के पास जब सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, कुछ हम लोग को पढ़ने में मन लगता है, जब हम लोग बुक लेके बैठते तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को नज़र के सामने आ जाता है और समय बहुत हम लोग के पास क्या है बच्चों, कम है। जब समय कम है तो हम लोग को चुनिंदा क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों लोग, थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है क्या कि कॉल इन एडवांस हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब मैटर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का फोर क्या है बच्चों लोग कि प्रिफ्रेंस शेयर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिफ्रेंस शेयर। ठीक है, प्रिफ्रेंस शेयर से आप क्या समझते हैं और इसका रिडेम्पशन किस प्रकार किया जाता है। ये रिडेम्पशन और प्रिफ्रेंस शेयर आप लोग का जो लेसन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग के सामने है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है या कितने प्रकार का होता है? बच्चों लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया कि डिबेंचर क्या है और डिबेंचर कितने प्रकार का होता है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन याद करके जाइएगा। हम पहले ही बता दिए हैं गैस में गैस नहीं करना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले कवर कर लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि यही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ के जाना है, आप लोग को और क्वेश्चन भी पढ़ना है, लेकिन पहले ये 13 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा उसके बाद। तो बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कितने विधियों से किया जाता है, मतलब मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे आप लोग को वहाँ थ्योरी पूछेगा तो इसमें से हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आया है और हमेशा लॉन्ग टाइप में आया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट देना है। कंपनी का क्या देना है बच्चों लोग, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा हम लोग का लॉन्ग टाइप में आएगा, कभी ये शॉर्ट टाइप में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग टाइप ही का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम जरूर से जरूर करके जाइएगा, लॉन्ग टाइप में आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोग फॉर्मेट पर पूरा का पूरा नंबर आएगा। चलिए अब इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फॉर्मेट देना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो फाइनल अकाउंट में दो फॉर्मेट हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ये दोनों फॉर्मेट आप लोग करके जाइएगा अच्छा से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग हम लोग का क्या है, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से आप क्या समझते हैं, गुडविल क्या होता है। ठीक है, गुडविल क्या होता है और गुडविल कितने मेथड से निकाला जाता है। बच्चों लोग, एक क्वेश्चन जानते हैं आप लोग को कहाँ था, एक क्वेश्चन आप लोग 12th क्लास में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के अंदर ये पढ़े थे क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्यूटी मेथड, ये आप लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि उसी से लिंक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं और वैल्यूएशन ऑफ शेयर कितने विधियों से किया जाता है, मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर लिखना है। तो बच्चों लोग, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत ही मंजिल की ओर हम लोग लगभग नजदीक में ही है। जिस तरह बैलेंस शीट के बारे में बताया ना कि बैलेंस शीट हमेशा पूछता है, सेम टू सेम इंपॉर्टेंट एक और है अमलगमेशन का, कि अमलगमेशन क्या होता है और ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी का बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये बहुत शुरू से ही चैप्टर है और हमेशा ये क्वेश्चन एंट्री हमेशा पूछते रहता है कि दोनों का बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी का बुक में क्या जर्नल एंट्री होता है, हमेशा क्वेश्चन एराइज करते रहता है। तो आप लोग बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अमलगमेशन का, दोनों का बुक में जर्नल एंट्री, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो एंट्री जरूर आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग को करके जाना है। इसी लेसन का एक और क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज में क्या अंतर है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज में बच्चों लोग क्या अंतर है, इसी लेसन का एक और थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से दोनों थ्योरी लेसन का करके जाइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा कि रिकंस्ट्रक्शन, उसमें आप लोग को जानते हैं सिलेबस, जो इस बार सिलेबस दिया उसमें क्या पढ़ना है बच्चों लोग, इंटर्नलशिप पढ़ना है। तो आप लोग रिकंस्ट्रक्शन से क्या समझते हैं और कब आवश्यक है, ये दो मैटर हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी ही है, अगर प्रैक्टिकल आप लोग ट्यूशन पढ़े होंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे। बच्चों लोग आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर दोबारा हम बोलना चाहेंगे कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करके देखते हैं तो मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी मोटिवेट होता है कि चलिए वीडियो हम जिसके लिए बना रहे हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट।